पुष्पा का पहला सॉन्ग को रिलीज कर दिया गया। सॉन्ग को सुनने के बाद मेरे दिल से पहला आवाज यही आया है कि प्रॉपर मूड खराब कर दिया यार। मतलब जैसे होता नहीं कि थोड़ा सा सॉन्ग ने स्टार्टिंग में मूड बनाया, देन उसके बाद ना प्रॉपर पूरा का पूरा मूड का मावहन कर दिया यार। दाढ़ी पे तू हाथ फेरे सारी दुनिया हिल जाए, ये कौन सा लिरिक्स है भाई? कंधे के तू उठा के चले सारी दुनिया फिल जाए, दिस हो जाए डैट हो जाए, अबे भाई ऐसा कौन लिरिक्स लिखता है यार। मतलब यही सॉन्ग को जाके एक बार तुम तेलुगु वर्जन वाला सुनो यार, क्या वाइब दे रही है यार, क्या वाइब दे रही है। बट वही अगर हिंदी वर्जन का सुने, दाढ़ी पे तू हाथ फेरे सारी दुनिया हिल जाए, दाढ़ी पे तू हाथ फेरे सारी दुनिया हिल जाए, कंधे को झुका के चले सारी दुनिया पल्ले न पल्ले न पड़े, अबे यार ये कोई सॉन्ग का लिरिक्स है? तुम लोग बताओ भाई, ये कोई बच्चे लोग को पोडियम थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं यार। ऐसा सॉन्ग का लिरिक्स मतलब कैसे पॉसिबल है? उर्दू से लिरिक्स के साथ आप पुष्पा के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हो, मजे नहीं आया। इसके अलावा नकास अजीज का जहां जहां लाइनें आती है ना, ये सॉन्ग टोटली फीका पड़ता है। बट वहीं अगर जहां जहां मिका सिंह का वॉइस हम सबको सुनने को मिलता है, ये सॉन्ग कैची बनते जाते हैं, ये सॉन्ग इंटरेस्टिंग बनते जाते हैं। बस अजीज बाबा का आवाज सुन के भाई मजा नहीं आया। टू बी फ्रैंक यार, स्टार्टिंग से जैसा वो बीट डाला गया है पुष्पा 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 पुष्पा, भाई फीलिंग्स आ रहे थे मेरे को, लगा भाई कहीं गर्रा वाला सॉन्ग इन लोगों ने बना दिया हुआ है। बट उसके बाद जैसे ही भाई दाढ़ी पे तू हाथ ना फेरे सारी दुनिया हिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ये मजा नहीं आया भाई। टू बी फ्रैंक यार ये मजा नहीं आया। बेशक भाई ये फिल्म से अलग ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सारी चीजें अलग है भाई, बट जो सही है वो सही है, उसे हम लोग भाई झुटला नहीं सकते। मैं वो चूतिया रिव्यूअर नहीं हूँ कि हाँ कुछ भी आ जाए अपने फेवरेट फिल्म से मैं तारीफ कर दूँ, नहीं भाई ये मजा नहीं आया यार। अगर जो भी लोग ये सॉन्ग को सुने होंगे, मुझे लगता है कि तुम लोग भी यही फील करोगे भाई। पुष्पा का कैरेक्टर एक अलग कैरेक्टर है, ये आइकॉनिक कैरेक्टर है यार, बट इस कैरेक्टर के साथ इस तरीका से गाना बना रहे हो, सीरियसली यार मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। मैं तो भाई मस्त एकदम भाई हिंदी वाला वर्जन को सुना दो बार, मूड खराब हुआ मैं हटा दिया, बोले कि भैया चलो आप निकलो पहली फुर्सत में। देन लास्टली मैं तेलुगु वाला वर्जन को सुना, और तेलुगु वाला वर्जन भाई ऐसे पुष्पा 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 ऐसे एकदम डांस कर रहे हैं, मजबूर करा दे रहा था यार। मतलब अलग ही वाइब दिया ये सॉन्ग, और सीरियसली यार पुष्पा भाव का जो हुक स्टेप है पुष्पा 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 वाला पे, जो ऐसे पैर में पैर रख के जो ऐसे कर वाला डांस करते हैं, ओहो हो दिल जीतने वाला चीज है मैं। मतलब मैं जितनी भी तारीफ करूँ उसका भाई उतना कम है। और इसके अलावा जो डायलॉग को रखे गए, ओ भाई साहब हरगिज झुकेगा नहीं साला। पहले भाई पुष्पा ऐसे करता था झुकेगा नहीं, अब भाई ऐसे करने वाला, दोनों हाथ का भी खेला करने वाला है भाई ये पार्ट टू में। बट लिरिक्स अच्छा नहीं है भाई, टू बी फ्रैंक का लिरिक्स हिंदी वाला खासकर लिरिक्स सुनने के बाद भाई मूड खराब हो गया। मुझे ऐसा नहीं उम्मीद था कि हाँ इस टाइप से भाई हिंदी इसके लिरिक्स होंगे। इससे अच्छा लिरिक्स तो भाई हम सब लिख देंगे भाई पुष्पा भाव के नाम पे, सीरियसली यार इससे बेटर लिरिक्स ये सॉन्ग डिजॉल्व करती है। अभी भाई कोई भी आप लोग गलतियां नहीं छोड़ सकते हो, ये गलती अगर पहले पार्ट के सॉन्ग के साथ हुआ होता ना तो वहां हम लोग डाइजेस्ट कर सकते थे, बिकॉज लोगों को या फिर मेकर्स को ये पता नहीं होगा उस टाइम की फिल्म चलेगी या फिर ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी या फिर नहीं आएगी। नॉर्थ साइड की मैं बातें कर रहा हूँ, बट ये फिल्म तो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है पहला पार्ट। सो आपको जितने मेकर्स हैं वो लोग एकदम सोचना चाहिए, समझना चाहिए फिल्म के पहले गाने का भाई लिरिक्स पे, वो भी भाई ये पहला गाना है मैन। अगर ये चौथा गाना होता तो भाई ठीक है, चलो भाई तीन चार गाने हिट हो चुके हैं, एक आध गाने फ्लॉप भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये पहला गाना हिंदी का और पहले ही गाना का इतना बेकार लिरिक्स भाई एकदम भाई ये चीज़ें सूट नहीं करती है। और मार्केटिंग पर्पज से भी, बाकी भाई जो लोगों को भी सुनना है भाई जाके तेलुगु वर्जन वाला सुनो, सच में भाई तुम्हें भाई एकदम डांस करने मजबूर नहीं कर दिया तो फिर मेरा नाम बदल लेना। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।